राजू कहाँ है ये? राजू? हाँ जी साहब जी। राजू बात सुन। आया। जी साहब जी। हाँ राजू, मैंने तुझे बुलाया था, तू तो जानता ही है, पिछले हफ्ते थोड़ा मैं परेशान था। हाँ जी साहब जी। तो मैंने एक मदद मांगी थी कि मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए, तो ये तू ऐसा कर, तू कुछ पैसे ले जा, पैसे ले जा और एक चादर और साथ कुछ पत्तियाँ ले आई, ठीक है? फिर दरबार पे चलेंगे, वहाँ पे जाके ना वो चढ़ावा कराएंगे, ठीक है? जी साहब जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी घर से निकला हूँ तो उधर ही जा रहा हूँ आपका काम करने के लिए जी। मुझे बस 10-15 मिनट लग जाएंगे और। जी ठीक है साहब जी, ओके। ओहो, बेचारा कितना भूखा लग रहा है ना। अगर मैं इसे साहब जी के पैसों में से कुछ खाना खिला दूं तो अजर तो मेरे साहब जी को ही मिलेगा। भैया भूख लगी है क्या? भाईजान कुछ खिला दो, इतने दिन से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया। यार आप परेशान ना हो, आओ मैं आपको खाना लेके देता हूं। पैसे भी नहीं है कुछ खरीद के। ओहो टेंशन नहीं लो, आओ मैं आपको खाना लेके देता हूं। उठो उठो, उस तरफ जाना हमने, उठो। भाईजान वो राजू कहाँ पे है? अभी तक आया नहीं, काफी देर हो गई है। हाँ हाँ मैं उसी से बात कर रहा था, मैंने भी उसको काम भेजा, वो आता थोड़ी देर में। कौन सा काम, वो भी इतनी सुबह सुबह? आप तो जानते ही हो, प्रमोशन हुई है मेरी, तो मैंने उसको थोड़ा काम भेजा, आ जाता अभी थोड़ी देर में। अच्छा चलें ठीक है, मैं जरा बाहर तक जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ। चलें। ये क्या राजू, तुम खाली हाथ आ रहे हो? जो मैंने तुम्हारे जिम्मे चादर लगाई थी वो कहाँ है? वो साहब जी माजरत, वो मुझे ना रस्से में एक वो भिखारी मिल गया था, तो वो बिल्कुल भूखा नंगा था, ना उसके पास खाने के लिए कुछ था ना पीने के लिए, तो मैंने उन्हीं पैसों से उसे खाना खिला दिया। बकवास बंद करो, शक्ल से तुम्हारे शक्ल से लग रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं साहब जी, झूठ नहीं बोल। मुझे अपनी शक्ल ना दिखाओ, झूठे इंसान की मेरे घर में कोई जगह नहीं है, समझ आई? यहाँ से चले जाओ और आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना तुम। जी झूठ नहीं बोला साहब, वो ओए राजू तुम कहाँ घूम रहे हो? चलो घर चलो, बहुत काम पड़ा वो करने को। छोटे साहब जी कैसे जाऊँ घर? क्यों क्या हुआ? वो बड़े साहब ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया, पर क्यों, क्या वजह हुई? असल में वजह ये हुई कि वो ओहो बेचारा कितना भूखा लग रहा है ना। अगर मैं इसे साहब जी के पैसों में से कुछ खाना खिला दूँ तो अजर तो मेरे साहब जी को ही मिलेगा। जो सुनेगा वो तो शक ही करेगा ना। साहब जी वो बंदा अभी भी इधर ही बैठा हुआ है, चले मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आएं। चलो वो उधर ही है साहब जी। चलो साहब जी वो देखिए। चलो ये था साहब जी, इसको मैंने लेके दिया, ये जो सारा खाना ना ये मैंने ही इसको दिलवाया। भाई अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आपने मुझे खाना। इन दुआओं के असल हकदार मेरे बड़े साहब जी हैं, ये सारा उन्हीं के पैसों से दिया है तुझे। अल्लाह उनको भी खुश रखे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, आगे ताक रहे। ओके ओके ध्यान से करो। शुक्रिया भाई बहुत बहुत। साहब जी अब तो आपने देखा ना, इसमें मेरी क्या गलती थी? नहीं राजू तुम सही कह रहे थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
मैं समझ सकता हूँ। आप बड़े साहब को बताना। मैं जरूर बताऊंगा। उन्होंने बात ही नहीं सुनी। नहीं, मैं उनको जरूर बताऊंगा। ओके साहब। भैया आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, क्यों खरीद? वो आपने राजू को काम से निकाल दिया क्या? अभी आप खुद ही बताओ, मैंने उसको चादर लेने भेजा और वो आके मेरे से झूठ बोल रहा था। आज वो छोटी चीज के लिए झूठ बोल रहा है, कल को किसी बड़ी चीज के लिए झूठ बोलेगा। नहीं भैया जी, वो जो कह रहा था वो सच कह रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। तभी वो देखें। हाँ चलो, ये था साहब जी, इसको मैंने लेके दिया। ये जो सारा खाना ना, ये मैंने ही इसको दिलवाया। भैया अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आपने मुझे खाना। इन दुआओं के असल हकदार मेरे बड़े साहब जी हैं, ये सारा उन्हीं के पैसों से दिया है तुझे। अल्लाह उनको भी खुश रखे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, आप ये ताक रहे। आप खुद बताएं कि वो उसने गलत किया या ठीक। ओहो यार, ये तो मेरे से बड़ी गलती हो गई। वो मुझे कुछ बताना चाह रहा था, मैंने उसकी एक ना सुनी और मैंने उसको निकाल दिया। चलो मैं उसको कॉल करता हूँ, वो वापस आ जाएगा। तुम चलो। ठीक है।